शेयर मार्केट में गिरावट आने से पहले आपको ये कदम उठा लेने चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि गिरावट आने से पहले आप तैयार रहें। अब देखिए, अगर आप अभी देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। अब देखिए, निफ्टी 50 के तो थोड़ी बहुत ही हाई है, लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो इनकी वैल्यूएशन हाई है। वैल्यूएशन हाई है से मतलब है, इसको अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जो चीज सस्ती है वही महंगी में मिल रही है। मतलब कि एक एग्जांपल लीजिए, जो 100 रुपए की चीज है आपको वो 110 120 रुपए में मिल रही है, मतलब कि अपने रेट से महंगे रेट पर मिल रही है। इस कारण बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर है, इसी कारण अपने इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, और उनको जहां पर 100 रुपए से सस्ते रेट पर सामान मिल रहा है, जैसे चाइना की मार्केट में, तो वो वहां पर पैसा डाल रहे हैं। वैल्यूएशन हाई है इस कारण। और देखिए, वैल्यूएशन हाई है तो उसको एडजस्ट होने के लिए मार्केट को करेक्ट होना पड़ेगा या कंसोलिडेट होना पड़ेगा। तो मार्केट ना देखिए बहाने ढूंढता है कि किस कारण से मैं करेक्ट हो जाऊं, किस कारण से मैं गिर जाऊं। ऐसा मतलब कि मार्केट में ये चीजें चलती रहती है। तो वो कारण अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रही है। आपने देखा होगा इसराइल ईरान की वॉर, अगर देखिए तो इसराइल की हिजबुल्ला और हमास के साथ वॉर चली रही थी, लेकिन इसी कारण ईरान ने भी इस पे हमला कर दिया था। और अगर अभी अपन लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो जो हिजबुल्ला है उसके एक ड्रोन ने इसराइल के एक मिलिट्री बेस पर आकर हमला किया, जहां पर कि चार लोग, मतलब कि जो उनके चार सोल्जर थे, उनकी मृत्यु हो गई और 60 से ज्यादा गंभीर हो गए घायल। अब वो अपनी आसानी से पूरी जिंदगी नहीं बिता पाएंगे, मतलब उनको डिफिकल्टीज रहेगी। तो अब इसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है हिजबुल्ला पे, ईरान पे और ये सारी चीजें। और ईरान के पीछे खड़े हैं बड़े बड़े देश, जैसे कि चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, बहुत मिलिट्री से पावरफुल है, हर जगह से इकोनॉमिक हर तरीके से बहुत पावरफुल देश है। तो देखिए ये चीजें कि ये एक मौका है, मतलब कि एक तरीके से मार्केट को गिराने के लिए एक मौका है, मार्केट को चाहिए था एक मौका गिरने का, तो ये हो सकता है वो मौका। तो इससे पहले आपको क्या करना चाहिए वो चीजें देखते हैं अपन। देखिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपन को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना। अब देखिए इन सबसे अपने को क्या टेंशन होगी, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मंगाता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अपने भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अदर अदर चीजों में भी इंपैक्ट पड़ेगा। और देखिए जब वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती है, वॉर और की सिचुएशन आती है, तो अपनी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे कि अपने जो घरेलू खर्चे रहते हैं, जो रोजाना खर्चे रहते हैं, ये चीज में उनको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल जैसे ही महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होता था हर चीज महंगी हो जाती है, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो देखिए अभी के टाइम पर सिर्फ एक ही तरीका है, देखिए मार्केट का काम है गिरना, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न ही देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन ये चीजें शॉर्ट टर्म में आपको मैटर करती है। तो अपन देख रहे हैं लॉन्ग टर्म का, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप टिकोगे तभी तो लॉन्ग टर्म तक जाओगे, मतलब शॉर्ट टर्म की गिरावट से आप बाहर निकल गए तभी तो आप लॉन्ग टर्म तक टिकोगे। तो शॉर्ट टर्म तक अगर आपको बने रहना है तो आपके पोर्टफोलियो को आपको रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी रिटर्न दे रहा था कोई, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला आपको रिटर्न मिल रहे थे, अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को अपनी रिस्क के हिसाब से बैलेंस ही नहीं किया है। रिस्क मतलब कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, कम आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट है, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, आपको ये चीजें पता करनी पड़ेगी पहले, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे कितना स्मॉल में डालना चाहिए, कितना लार्ज में डालना चाहिए, कितना मिड में डालना चाहिए, और कितना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डालना चाहिए। फ्लेक्सी कैप ही हो जाती है, और किन म्यूचुअल फंड से आपको पैसे निकाल लेना चाहिए, देखिए मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक नॉर्मल आपको बता दूं, सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो तो आप अगर उस टाइप का रिस्क नहीं ले सकते, कहने का मतलब आपको मार्केट की साइकिल्स पता नहीं है, तो वो अगर आपका पैसा भी प्लस में है जितना भी है तो हो सके तो उसको निकाल दीजिए, नहीं तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उसमें आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं करते। जब तक उन सेक्टर में रैली ना आए, उन सेक्टर में ग्रोथ ना दिखे, तब तक ये अच्छे खासे रिटर्न नहीं देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा पूरा पोर्टफोलियो को बनाने का मकसद, मतलब कि सॉरी, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर अभी आप हो, मतलब कि अगर अभी आपके पास पोर्टफोलियो है, अभी प्लस में है, तो अभी आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग मतलब कि इसको बेचकर आपके
हिसाब से चीजें खरीद सकते हो अभी प्लस में, लेकिन जब वो माइनस में चला जाएगा ना तब आपको लॉस बुक करने में बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है आप लॉस करो और म्यूचुअल फंड में दोबारा आओ ना। इस कारण प्रॉफिट जब है तब ये काम किए जाते हैं और ये अभी सही मौका हो सकता है आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के हिसाब से, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।